वेलकम फ्रेंड्स, आज पढ़ाने चल रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके थे, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले फर्स्ट टाइप देख लेते हैं, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए। फर्स्ट टाइप है, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है ना, तो इसका नियम क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आप लोग पहले भी पढ़ते रहे हो, हर टेंस में क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसमें शैल बी विल बी, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, शैल बी विल बी। सब्जेक्ट बी विल, सब्जेक्ट बी, फिर क्या होगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होगी? आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, है ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा? शैल बी विल बी, परंतु शैल और विल के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, है ना। क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जब दो शब्दों की होती है, जस्ट पहले शब्द के तुरंत बाद क्या करते हैं? सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग, है ना। तो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या है? तुम कक्षा में अपनी पुस्तक, अपनी पुस्तक क्यों पढ़ रहे होगे? होगे, है ना, कह रहा क्यों। तो क्वेश्चन वर्ड से पहले स्टार्ट करेंगे, भाई तुम लिखा हुआ है ना, सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो यहां विल का प्रयोग करेंगे, विल, सब्जेक्ट क्या है? यू, फिर बी, आई बी के साथ सह लगाते हैं, शेष कर्ताओं के साथ विल। मेन वर्ब क्या? पढ़ना, रीडिंग, आईएनजी फॉर्म, रीडिंग योर बुक, योर बुक इन द क्लास, इन द क्लास यू विल, सॉरी व्हाई विल यू बी रीडिंग योर बुक इन द क्लास। अगला वाक्य देखते हैं, हम बाजार में क्यों टहल रहे होंगे, क्यों टहल रहे होंगे, होंगे क्या है? हम, है ना। पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, वाई, फिर वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, अर्थात सेल भी ना वी, फिर यहां पे वी का प्रयोग करेंगे, फिर टहलना वॉकिंग, वॉकिंग कहाँ टहल रहे होंगे? एडवर्ब है, इन द प्ले मार्केट, इन द मार्केट। व्हाई शैल वी बी वॉकिंग इन द मार्केट, हम बाजार में क्यों टहल रहे होंगे। अब देखते हैं जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होता है, जब हमारा वाक्य
क्या से शुरू होता है। तो सेकंड टाइप्स क्या है, जब वाक्य क्या से शुरू हो, शुरू हो। तो इसमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन वर्ड हटा देना है। क्वेश्चन वर्ड को हटा देते हैं तो हमारा ये नियम हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब शैल सब्जेक्ट बी, विल सब्जेक्ट बी, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट, है ना। तो एग्जांपल देखते हैं, क्या मोहन अपने मित्रों के साथ अपने मित्रों के साथ नदी में नहा रहा होगा, नहा रहा होगा। क्या से शुरू हो रहा है वाक्य, तो क्या लिखेंगे, विल मोहन है ना नहा रहा होगा। पहले यहां भी लिखेंगे, फिर नहाना, बाथिंग इन द रिवर, नदी में नहा रहा होगा अपने मित्रों के साथ। प्रीपोजिशन क्या है, के साथ, तो विद हिज, मोहन है ना हिज फ्रेंड्स, विथ हिज फ्रेंड्स, विल मोहन बी बाथिंग इन द रिवर विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। एक वाक्य और देखते हैं, डैश सी राइटिंग हर लेटर इन दी क्लास, कह रहा है डैश सी राइटिंग हर लेटर इन दी क्लास। ऑप्शन क्या है, हैज सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, देखिए क्या कह रहा है, डैश सी राइटिंग हर लेटर इन दी क्लास। है ना, करा डैश सी बी राइटिंग हर लेटर इन दी क्लास। क्या यहां पे डैश क्या है, डैश है फिर सब्जेक्ट का प्रयोग फिर बी, है ना, राइटिंग हर लेटर इन दी क्लास। तो आइए देखते हैं रिस्पेक्टिवली ऑप्शन, है ना, क्रमानुसार ऑप्शन देखते हैं। हैज गलत है, क्योंकि ये क्या है, क्या है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है जो कि यहाँ पे आईएनजी है वाक्य में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्रिया है। हैज बीन के साथ आईएनजी होती है परंतु वाक्य में जब समय दिया हो, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसलिए ऑप्शन क्या है, गलत है। और फोर्थ ऑप्शन क्या, आर है, आर के साथ क्या होता है, आईएनजी फॉर्म होता है परंतु बी का प्रयोग नहीं होता है ना, इसलिए यहाँ पे आर होगा नहीं। अब तीसरा ऑप्शन क्या है,
तीसरा ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि विल जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, जो कि हमारा वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है विल सी बी है ना राइटिंग, वह अपना पत्र कक्षा में लिख रही होगी, अतः ये क्या है ये ऑप्शन आपका सही है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप्स क्या है, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, इसका नियम क्या है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल सब्जेक्ट नॉट बी विल सब्जेक्ट नॉट बी फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या होगा आईएनजी फॉर्म, फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ना क्वेश्चन मार्क कह रहा है क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब में होगा क्या शैल बी विल बी और शैल के बाद विल के बाद क्या करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं तुम विद्यालय में अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहे होगे, पढ़ रहे होगे, तुम विद्यालय में अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे व्हाई फिर विल यू नहीं का प्रयोग हुआ तो यहां नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बी पढ़ना रीडिंग, रीडिंग योर बुक, योर बुक इन द स्कूल, इन द स्कूल व्हाई विल यू नॉट बी रीडिंग योर बुक इन द स्कूल। अब एक और देख लेते हैं मैं बगीचे में क्यों नहीं टहल रहा होगा, टहल रहा होगा कह रहा है व्हाई। अब यहां पे शैल का प्रयोग करेंगे, शैल आई नॉट वॉकिंग है ना, वॉकिंग टहलना है ना इन द गार्डन, इन द गार्डन Why shall
आई नॉट वॉकिंग इन द गार्डन, मैं बगीचे में क्यों नहीं टहल रहा हूँ गा। अब देखते हैं जब हमारा वाक क्या से शुरू होता है। जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक क्या से शुरू हो तो हम क्वेश्चन वर्ड को हटा देंगे, सेम वही फार्मूला रहेगा। हेल्पिंग वर्ब सेल सब्जेक्ट नॉट बी विल सब्जेक्ट नॉट बी मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट क्या सोहन अपने भाई के साथ विद्यालय नहीं जा रहा होगा। कह रहा है क्या सोहन अपने भाई के साथ विद्यालय नहीं जा रहा होगा। देखते हैं क्या विल है ना, क्या से शुरू हुआ है वाक्य विल। सोहन सोहन के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट बी जाना तो यहां पे आईएनजी फॉर्म लगाएं गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल अपने भाई के साथ विथ, विथ का प्रयोग करेंगे विथ हिज ब्रदर, विथ हिज ब्रदर। Will Sohan not be going to school with his brother? एक वाक और देखते हैं लास्ट। Dash plucking some flowers in the garden. First option है सोहन बी नॉट, फर्स्ट ऑप्शन शायद सोहन बी नॉट, और सेकेंड ऑप्शन है विल सोहन बी नॉट, थर्ड ऑप्शन विल बी सोहन नॉट, लास्ट ऑप्शन शैल वी नॉट बी। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है ऑप्शन। शैल सोहन बी नॉट, आपको बताया गया है जब हमारी हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों की होती है तो फर्स्ट शब्द के जस्ट बाद सब्जेक्ट और साथ में नॉट का प्रयोग हुआ है तो सब्जेक्ट के साथ नॉट, फिर अगला शब्द है ना, जैसे क्या हुआ है सैल बी, दो शब्दों की है हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना, सैल सोहन तो ठीक है पर यहाँ पे बी के बाद नॉट का प्रयोग हुआ है जो कि क्या है गलत है, सोहन नॉट बी होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन क्या है गलत है।
दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, सेम वही कंडीशन है, विल सोहन बी नॉट, सोहन के बाद नॉट का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। अब कह रहा है विल बी सोहन नॉट, विल बी सोहन नॉट, सोहन के बाद नॉट का प्रयोग तो हुआ है परंतु विल के जस्ट बाद होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन क्या है गलत है। अब चौथा ऑप्शन क्या है, सेल, सेल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बी, ये ऑप्शन क्या है सही है। ये दो शब्दों की हमारी हेल्पिंग वर्ब है और पहला शब्द सेल है, सेल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर सेकंड शब्द है ना, ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे क्या होगा, सेल वी नॉट बी पल्किंग सम फ्लावर्स इन द गार्डन, क्या हम बगीचे में कुछ फूल नहीं तोड़ रहे होंगे, है ना। तो फ्रेंड्स यही पे इस क्लास को समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में आप अगला टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हाँ दोस्तों, यदि आप सभी को ये क्लास पसंद हो तो आप कृपया अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक इस क्लास का लाभ ले सकें, और दोस्तों इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।